नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। आप देख रहे हैं बड़ी बात। बड़ी बात में आज हम दो बड़े मसलों पर बड़ी बहस करेंगे। दोनों मसलों में प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी या फिर कह लें कि गुंडागर्दी के मामले सामने आए। एक राजधानी दिल्ली से जुड़ा है, उसमें अस्पताल का लाइसेंस एक्शन के नाम पर रद्द कर दिया गया। लेकिन दूसरा मामला हरियाणा के गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल का, जहां अभी एक्शन लिया जाना बाकी है। जी हाँ, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल का लाइसेंस दिल्ली सरकार ने रद्द किया है। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में बच्ची की मौत और उसके बाद करीब 16 लाख का लंबा चौड़ा बिल दिए जाने के मामले में हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने यह जरूर कहा कि ये मौत नहीं हत्या है। लेकिन सवाल ये है कि हत्यारे अस्पताल पर मंत्री जी और उनकी सरकार एक्शन कब लेंगे और क्या केजरीवाल सरकार से हरियाणा सरकार सबक लेगी। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली हाल ही के दिनों फिर एक बार सुर्खियों में रही, जब एक नन्ही जान को बड़े नामी अस्पताल ने जिंदा होते हुए मृत बता दिया, पॉलिथीन में पैक कर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया। दरअसल दिल्ली के शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल ने जुड़वा पैदा हुए दोनों बच्चों में से एक के जिंदा होते हुए भी दोनों को मृत बताया। मामला सुर्खियों में आया, एक बार फिर इंसानियत ने दम तोड़ा। एक बार फिर साबित हुआ कि बड़े निजी अस्पतालों की गुंडागर्दी, उनकी मनमानी के सामने बाकी सब पीछे छूट जाता है। दरअसल मैक्स अस्पताल की ओर से दो जुड़वा बच्चों को प्रीमेच्योर डिलीवरी यानी समय से पहले हुई डिलीवरी के बाद मृत घोषित कर दिया गया, अंतिम संस्कार के लिए सौंप दिया गया। लेकिन इनमें से एक बच्चे के शरीर में हरकत होने के बाद उसे जिंदा पाकर परिवार ने मैक्स अस्पताल पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया। बच्चे की हरकत से सिस्टम से लेकर सरकार को हरकत में आना पड़ा। मामला मीडिया में गूंजा। पैकेज के अंदर कुछ एक्टिविटी हलचल की हुई तो हमें शकवा में गए, शायद कुछ क्या गड़बड़ में कि बच्चा हिलसा रहा है, तो हमने वही पैकेट फाड़ा तो उसमें दो तीन पन्नी दो तीन कपड़े थे, तो बच्चा हमने जब निकाला तो बच्चा सांसें ले रहा था। फिर हमने देर ना करते हुए तुरंत बच्चे को हमने पास के एक अग्रवाल नर्सिंग होम है पीतमपुरा के अंदर, वहाँ पे एडमिट कराया। बच्चा अभी भी वहाँ पे सांसें ले रहा है और जिंदा है। इस चीज की सूचना आपने हॉस्पिटल में दी, एमएस से मिलने की कोशिश की कि बच्चा जीवित है और आपने मृत घोषित किया, डेथ सर्टिफिकेट भी हमने एमएस वगैरह से मिलने की कोशिश की, कोई हमसे मिलना ही नहीं चाहता है, कोई हमसे बात करनी राजी नहीं। पुलिस आई थी कल, एसीपी साहब आए थे, एसएचओ साहब आए थे और भी पुलिस काफी टीम आई थी यहाँ पे, हमारे सबके बयान वगैरह लिए हैं। हम थाने एफआईआर लॉन्च की और हमारे से कर रही है, हम उनको एफआईआर के लिए बोल रहे हैं कि आप हमारी एफआईआर दर्ज करो, एफआईआर दर्ज करो। अभी हमारी सुनवाई तो भी हमारी कोई सुनवाई नहीं करें। मामला ऐसा रहा कि इंसान सुनकर सिहर उठे कि कैसे निजी अस्पतालों में बैठे डॉक्टर्स, जिनको भगवान का दूसरा रूप कहा और माना जाता है, क्यों वो इंसान भी नहीं हो पाए, क्यों मुनाफे के सामने इंसानियत ठोकी पड़ गई। मामला काफी बड़ा था क्योंकि पूरा प्रकरण सिर्फ लापरवाही का नहीं था, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा था। निर्बोध बच्चे को जिसमें सांसें बाकी थी उसको अंतिम संस्कार के लिए बोलना, कलेजा क्यों नहीं फट गया डॉक्टर्स का, क्या डॉक्टरी के धंधे को वक्त नहीं जिंदा और मृत में फर्क देखने का। हालांकि बाद में वो मासूम बच ना सका, वो मामले का दूसरा पहलू हो सकता है। लेकिन पूरे घटनाक्रम में गनीमत ये रही कि दिल्ली सरकार ने मामले को हाथों हाथ लिया। दिल्ली सरकार ने आपराधिक लापरवाही की जांच के आदेश दिए और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कड़ी कार्रवाई करने का वादा किया। एक और अच्छी बात ये रही कि ये वादा बाकी सियासी वादों की तरह वादा ना रहा, इसे बाकायदा निभाया भी गया। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने मामले का संज्ञान लिया, रिपोर्ट भी ली गई और रिपोर्ट पर एक्शन भी लिया गया। जी हाँ, शालीमार बाग स्थित मैक्स अस्पताल का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। खुद दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी दी। पेशेंट एडमिटेड है, अस्पताल को हमने ऑर्डर दिया है कि उन पेशेंट्स को ये ऑफर देंगे कि भाई वो चाहें तो शिफ्ट कर सकते हैं, अदरवाइज उनका इलाज कर सकते हैं। नए पेशेंट ये भर्ती नहीं कर सकते और नए पेशेंट को देख भी नहीं सकते हैं। इट मीन्स के हॉस्पिटल विल नॉट फंक्शन हेंस नाउ, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। और इस हॉस्पिटल के साथ पहले भी इनको नोटिस इशू किए जा चुके हैं, ईडब्ल्यूएस के केस में भी, एडिशनल बेड्स के इशू में भी, वहाँ पर भी इनकी गलती पाई गई है। तो मैक्स शालीमार बाग हॉस्पिटल का दिल्ली सरकार लाइसेंस कैंसिल कर दिया। लेकिन कहानी अभी बाकी है। दिल्ली के साथ लगते हरियाणा से एक और डराने वाला मामला बीते दिनों सामने आया।
गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में डेंगू से बच्ची की मौत हो जाती है। मौत के बाद बच्ची के परिजनों को करीब 16 लाख का लंबा चौड़ा बिल थमा दिया जाता है। बच्ची के पिता के ट्वीट के बाद मामले को लेकर आक्रोश भी देखा गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जांच के आदेश भी दिए और उससे आगे जांच भी की गई। 50 पन्नों की रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहा, ये मौत नहीं हत्या थी, इसमें कड़ा एक्शन लिया जाएगा। हरियाणा सरकार अस्पताल प्रशासन के खिलाफ FIR करवाएगी और ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द किए जाने का नोटिस भी दिया जाएगा। उसके हम सख्त कार्रवाई के आदेश दे दिए, FIR दर्ज करवा रहे हैं, उसका ब्लड बैंक का लाइसेंस हमने कैंसिल कर दिया है। उसमें नोटिफाइएबल डिजीज को उन्होंने सरकार को नोटिफाई नहीं किया था, उसमें 6 महीने की सजा होती है, उसका भी नोटिस दे दिया। ऐसी लूट अब किसी भी तरह से प्राइवेट अस्पतालों को हरियाणा में करने नहीं देंगे और हम जल्दी जो क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है उसको उसका ऑर्डिनेंस ला रहे हैं और पूरी तरह से नकेल कसेंगे। दोनों मामले आपके सामने हैं, दोनों में काफी चीजें एक जैसी हैं। लापरवाही ने इंसानियत को तार तार किया है। बड़े नामी निजी अस्पतालों ने प्रशासन और सरकार को ठेंगा दिखाया है। दोनों मामलों में उत्तरदायी सरकारों पर सवाल दागे गए। दोनों ही सरकारों ने जांच भी करवाई, लेकिन जो जांच के बाद एक्शन लिया गया उसमें बड़ा अंतर है। और ये अंतर सवाल पूछता है हरियाणा सरकार से कि सरकार बताइए कब उठाएंगे कदम। मंत्री जी बोलिए, बोलिए, क्योंकि आपसे उम्मीदें भी ज्यादा हैं। मंत्री जी बताइए कि जब आप खुद मानते हैं कि ये मौत नहीं हत्या थी, तो अस्पताल का लाइसेंस रद्द क्यों नहीं किया जा रहा? क्या ऐसी ही और हत्याओं का इंतजार है? क्या खानापूर्ति की जा रही है जांच के नाम पर? क्या ब्लड बैंक का लाइसेंस रद्द किया जाना, FIR रद्द किए जाने की बातें की जाना काफी है कार्रवाई के नाम पर? उस मामले में जिसने मासूम को खोने वाले परिजनों को हर लिहाज से ठगा गया, जिसमें एक बच्ची की ही मौत नहीं हुई, वो सिस्टम भी मरा जिसे स्वास्थ्य विभाग कहा जाता है, जहां से सांसें मिलने की उम्मीद की जाती है। हरियाणा सरकार, अब आप बताइए कि रिपोर्ट आ जाने के बाद इंतजार क्या है और क्यों है? और साथ ही सवाल ये भी, क्या फोर्टिस के अलावा बाकी निजी अस्पतालों की मनमानियों पर भी अंकुश लगेगा? ऐसे में पूरे देश की नजरें हरियाणा सरकार पर टिकी हैं, उम्मीदें भी टिकी हैं हरियाणा की 2.5 करोड़ जनता की, कि इंसाफ मिलेगा, कि आपको इलाज के नाम पर ठगा नहीं जाएगा। हरियाणा सरकार है आपके लिए, आपके हितों के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या दिल्ली सरकार के फैसले का असर हरियाणा तक पहुंच सकेगा? न्यूज डेस्क, खबरें अभी तक। वाकई बेहतरीन ये फैसला है दिल्ली सरकार का कि लाइसेंस रद्द कर दिया गया। और सीधे तौर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस तरह की लापरवाही किया जाना कतई स्वीकार्य नहीं है, लेकिन हरियाणा सरकार को, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्रालय को, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को इस तरह की लापरवाही या कहें इस तरह की मनमानी और गुंडागर्दी किस तरह से स्वीकार्य है, जब खुद मंत्री जी कहते हैं कि ये मौत का मामला नहीं, ये हत्या है और नजरअंदाज किए जाने के चलते, लापरवाही किए जाने के चलते हत्या हुई है, तो हत्यारे अस्पताल को उसके अंजाम कब पहुंचाया जाएगा? तो दिल्ली सरकार ने फैसला लिया, काबिले तारीफ ये फैसला है। इसी फैसले को लेकर दिल्ली के CM का क्या कहना है वो सुन लीजिए। सिलसिले में कुछ गड़बड़ियां मिली हैं, जैसे उन्होंने दो बच्चे जो थे उनको मृत घोषित किया, सेकेंडली मैक्स हॉस्पिटल जो है वो EWS कोटे में भी सही तरीके से वो नहीं दे रहा था, एडमिशन नहीं दे रहा था। इन सब चीज़ों को देखते हुए आज मैक्स हॉस्पिटल का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया है। हमने पहले हरियाणा सरकार को कभी नहीं कहा कि दिल्ली सरकार से सीखो, लेकिन दोनों मामले एक जैसे हैं। दिल्ली सरकार अलग तरह का फैसला लेती है, हरियाणा सरकार के फैसले का अभी इंतजार है। साथ ही सवाल ये भी है, क्या FIR करवाया जाना या FIR करवाने का फैसला लेना काफी है? क्या ब्लड बैंक के लाइसेंस को रद्द किया जाना काफी है? अगर हत्या हुई है तो क्या और हत्या होने का इंतजार है? सिस्टम रिपोर्ट मिल जाने के बाद, स्वास्थ्य मंत्री रिपोर्ट मिल जाने के बाद इंतजार किस बात का कर रही है? क्या केजरीवाल सरकार से सबक लिया
किया जाएगा। क्या फोर्टिस के साथ साथ बाकी अस्पतालों में या उसी अस्पताल की शाखाओं की बात कर ले या जितने भी पांच सितारा अस्पताल हैं, बड़े नामी निजी अस्पताल हैं, क्या उन पर एक्शन लिया जाएगा? क्या उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी? क्या सरकार जवाब देगी कि निजी अस्पताल, चूंकि सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं नहीं है इतनी कि जनसंख्या को या आवाम को आप सुविधाएं दे पाए स्वास्थ्य के लिहाज से, तो क्या प्राइवेट अस्पताल जो कर रहे हैं उनको लेकर सरकार जिम्मेदारी लेगी? इन सवालों के जवाब लेंगे कुछ खास मेहमान हैं मेरे साथ स्टूडियो में। कृष्ण ढुल हैं हमारे साथ, बीजेपी का पक्ष आप रखेंगे। केवल ढींगरा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ चर्चा में है। रविंद्र ढुल हैं इनेलो प्रवक्ता हमारे साथ हैं। अनिल आर्य राजनीतिक विश्लेषक आप हैं और आईपीएस कोहली अधिवक्ता आप हैं। कानूनी पक्ष समझाएंगे दोनों मामलों के। साथ ही नवीन जैहिंद हैं हमारे साथ, आपके हरियाणा अध्यक्ष फोन लाइन पर जुड़े हैं। स्वागत है सभी मेहमानों का इस चर्चा में। चूंकि हरियाणा सरकार से सवाल किया जा रहा है, ढुल साहब आपके पास मैं आऊंगी और पूछूंगी, मामला जब करीब करीब एक जैसा दिखता है तो जो फैसला लिया गया, जो एक्शन लिया गया, वो एक जैसा नजर क्यों नहीं आया? नहीं ज्योति, ऐसा नहीं है। मामला बिल्कुल एक जैसा है। फर्क क्या है कि वहां आईएमए की जो रिपोर्ट आनी थी वो दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल की रिपोर्ट एक दिन पहले आ गई जी, और हमारी रिपोर्ट उम्मीद करते हैं या तो आज पहुंच जाएगी या कल तक पहुंच जाएगी। तो आईएमए का एक तरीका होता है किसी भी अस्पताल का लाइसेंस कैंसिल करने के लिए, सरकार एकदम से उसका लाइसेंस कैंसिल नहीं कर सकती। हाँ। उसके लिए आईएमए के माध्यम से सूचना और पत्रक जारी होता है। वहां से पत्रक आने के बाद ही आपने सत्येंद्र जैन जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली सरकार के हैं, आपने उनकी बाइट में भी सुना होगा कि आईएमए की रिपोर्ट आने के बाद हमारी सरकार ने यह फैसला लिया है कि हमने मैक्स का हॉस्पिटल का जो लाइसेंस था वो रद्द कर दिया। सेम आधार पर उसी बाइट में आपने एक चीज और भी दिखाई होगी, शायद उन बच्ची का पिता गुहार लगा रहा था कि उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। हमारे यहाँ पर मामले में मंत्री जी ने संज्ञान लेते हुए देखिए कितनी गंभीर बात कही कि हत्या हुई है और ये प्रयास रहेगा कि उनके ऊपर हत्या की ही धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, चाहे उसमें ब्लड बैंक की लापरवाही, जैसे उसमें बताया माननीय मंत्री जी ने भी कि डेंगू इस प्रकार की बीमारी है जिसकी सूचना सरकार को देनी होती है, उस तथ्य को फोर्टिस हॉस्पिटल ने छुपा लिया, या और जो भी अनियमितताएं उसमें नजर आई हैं। हाँ। उन सब के नजर मद्देनजर रखते हुए मंशा में कोई फर्क नहीं है किसी तरह का? बिल्कुल मंशा में कोई फर्क नहीं है, किसी भी रूप में कभी भी फर्क नहीं आएगा। और आप समझेंगे तो कल की उस घटना के बाद भी जब मैंने आप कल डिबेट कर रहे थे, क्योंकि एफआईआर दर्ज करवाने का अगर आप साधुवाद ली तो वो भी रिपोर्ट आने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंत्री जी की तरफ से कहा गया कि एफआईआर दर्ज करवाई जाएगी, तो बहुत शुरुआत में यहां भी नहीं करवाई? नहीं नहीं, देखिए एक घटना हुई, उस घटना के बाद माननीय मंत्री जी ने तीन डॉक्टरों की और अधिकारियों की एक कमेटी बनी, उसकी जांच की रिपोर्ट आई, तथ्यों की जांच हुई। हाँ। आदमी को सही पाया गया, उसके उपरांत ही तो हम लोग किसी भी कार्रवाई को कर सकते हैं ना। हाँ। तो उसका एक प्रक्रिया है, एक ठीक है। चलन है, उसके माध्यम से सभी चीजें चल पड़ी। सरकार की प्रक्रिया क्या रही वो जानने की कोशिश करेंगे। नवीन जैहिंद है हमारे साथ, स्वागत है आपका चर्चा में। साथ ही आपसे ये जानेंगे कि दिल्ली सरकार ने जो फैसला लिया मैक्स अस्पताल को लेकर, लाइसेंस रद्द किए जाने को लेकर, और हरियाणा सरकार फोर्टिस अस्पताल पर जिस तरह की कार्रवाई कर रही है, एक्शन रही है, उसमें क्या फर्क देखते हैं आप? देखिए मैं आपको बताऊं कि कोई भी एक्शन लेने के लिए जुबान नहीं मैडम, किसी नेता के पास, किसी सरकार के पास जिगर की जरूरत होती है। जिगर ये समझते होंगे कि क्या होता है। आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार ने इतना बड़ा डिसीजन लिया है, मुझे लगता है कि अगर आप इंडिया के इतिहास में अगर ये टटोलेंगे तो कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। ये इन सरकार की किसी के औकात किसी डॉक्टर के लाइसेंस रद्द करने की नहीं होती, और ये आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली के अंदर एक लापरवाही जो की हॉस्पिटल ने तो उसका लाइसेंस रद्द कर दिया। ये ऐतिहासिक फैसला, पहली बात तो मैं आपको बताऊँ। और ये जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये स्वास्थ्य मंत्री नहीं, ये ट्विटर मंत्री हैं, और ये सिर्फ छोटे अस्पताल से अब सिर्फ इनकी लाइजनिंग चल रही है, सेटिंग चल रही है कि कितनी दक्षिणा वहां से इस सरकार को मिलेगी, क्योंकि आपको पता है इतना बड़ा लाइसेंस रद्द करना किसी हॉस्पिटल का, तो ये बार्गेनिंग ये कर रहे होंगे कि 50 करोड़ दोगे या 20 करोड़ दोगे या 30 करोड़ दोगे। हाँ। इन लोगों की हिम्मत नहीं है ये इन लोगों के अंदर कि ये इस तरह का निर्णय ले सके, क्योंकि इनका पूरे के पूरे हरियाणा के अंदर आप देख सकते हैं स्वास्थ्य सेवाओं का हाल है। आज भी एक घटना हुई है कि सोनीपत में 6 दिन का कोई 6-7 लाख रुपए बिल आया है, और प्राइवेट हॉस्पिटलों के नाम पे, प्राइवेट स्कूलों के नाम पे हरियाणा के अंदर लूट चल रही है, और उसमें इनका हिस्सा है। नवीन जैहिंद जी, अभी आपने ढुल साहब को सुना, उनका कहना है कि आईएमए की जो रिपोर्ट आती है या खुद वो तय करता है कि किस अस्पताल का लाइसेंस रद्द किया जा सकता है किस आधार पर, तो सरकार इसमें फिलहाल तक कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ऊपर से आदेश आने हैं या जांच होकर आनी है।
सेटिंग मैडम, सेटिंग अभी नया भी चल रही है, बार्गेनिंग कितना लेना है, कितना देना क्या है, हाँ। ये सब मतलब क्या दिल्ली की दिल्ली सरकार कैसे कर दिया सर, कैसे लाइसेंस रद्द कर दिया? नवीन भाई सिर्फ ये बताइए मुझे, अगर ये सूचना ये बात थी तो आज क्यों किया गया, उसी दिन सेम डे आप लोगों ने उसका लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया? प्रोसेस फॉलो किया आप लोगों, प्रोसेस कितने दिन से चल रहा है? एक चीज और मैं पूछना चाहता हूँ, यह स्पष्ट कर दूं पूरे इस माध्यम से कि अस्पताल के पास तो लाइसेंस होता ही नहीं है, अस्पताल का कोई लाइसेंस नहीं होता है, डॉक्टर का लाइसेंस होता है, और जमीन जो अलॉट की जाती है वो उस प्लॉट के ऊपर की जाती है जो सब्सिडाइज सिर्फ हॉस्पिटल के लिए प्लॉट होता है। तो अननेसेसरी वाहवाही मत लूटिए, हॉस्पिटल का लाइसेंस नहीं रद्द किया गया, डॉक्टर का लाइसेंस रद्द किया। भाई साहब जो आईएमए के माध्यम से आप मत ले जाइए, अरे भाई साहब आप जो हमने जो किया वो इतना ही कर दीजिए ना, हम तो आपको कहेंगे अच्छा किया, बताओ कब मना कर रहे हैं हम, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं आईएमए की रिपोर्ट का, जैसे ही आएगी तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। सर कितना इंतजार करेंगे आप, ये अरे आपकी घटना और हमारी घटना सेम टीम की है। नवीन जैहिंद जी आप फोन पर बने रहिएगा, हालांकि गाड़ी में सफर आप कर रहे हैं लेकिन आपका जुड़ा रहना बहुत जरूरी है आपका पक्ष रखने के लिए। रविंद्र ढुल जी आपके पास मैं आऊंगी, कितना मुश्किल है सरकार के लिए ये फैसला लेना, हरियाणा सरकार के लिए? देखिए मंशा के ऊपर संदेह कहीं ना कहीं किया जा सकता है, दिल्ली सरकार का एक बधाई योग्य फैसला है और इसकी एक आशंका थी, शुरुआत से आशा भी रखी जा रही थी कि ऐसा किया जाएगा, और ये एक नज़ीर के रूप में दिल्ली में यदि दिल्ली सरकार कर सकती है तो मांग करते हैं कि हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार करे। निश्चित रूप से न केवल इसका लाइसेंस भी रद्द किया जाए बल्कि हरियाणा के अंदर जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर जो भी माल प्रैक्टिस है उनकी जो है जांच करने के लिए कमेटी बनाई जाए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि एफआईआर रद्द करने करवाने का इन्होंने कहा तो था, हाँ। लेकिन हमने तीन दिन पहले इस बात पे डिबेट की थी, मुझे नहीं लगता अभी तक कोई एफआईआर हुई नहीं है। हुई बुधवार को पहली बात, यदि इनको एफआईआर का करना था तो कंप्लेनेंट बन करके पहले ही दिन इसमें एफआईआर की जा सकती थी, ऐसा कुछ भी नहीं है कि पुलिस को उसके लिए चार दिन रखना पड़े, ये अननोन लोगों के खिलाफ कर लेते, बाकी बाद में इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। तो यहाँ इनकी मंशा बिल्कुल स्पष्ट रूप से मैं कहता हूँ संदेह के घेरे में। आपने जो है पैनल हटा दिया है इसका, फोर्टिस का, वहां से एक अच्छी बात है हरियाणा सरकार ने, लेकिन पैनल हटाने के बाद में उसके बाद में आपने क्या किया, क्या आपने उसकी ऑडिटिंग के अभी तक आदेश दिए? हाँ। नहीं दिए। देखिए बहुत सारी ऐसी प्रोसीजरल कमियां हैं जो कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स, खासकर ये फोर्टिस का जो मामला आया है, आप यहीं से प्रारंभ कीजिए, पूरा बड़ा बिजनेस चल रहा है हमारे हरियाणा में, कम से कम 3 या 4 ऐसे जिले हैं जहां पर ये बिजनेस जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स का मशरूम की तरह फैल रहा है, जैसे कि हिसार है, इतने गैर कानूनी वहां पे कार्य होते हैं हिसार के हॉस्पिटल्स में, यदि हम उनको गिनती भी करने लगेंगे ना तो मुझे नहीं लगता कि हम एक डिबेट के अंदर उनको समाहित भी कर सकते हैं। हाँ। ये सब कुछ हरियाणा सरकार की जानकारी में, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि कब कार्य करेगी। ढींगरा साहब आपके पास मैं आऊंगी, कांग्रेस का पक्ष जानेंगे इन दोनों मामलों को लेकर, साथ ही अभी ढुल साहब ने कहा बीजेपी की तरफ से कि एक्शन लिया जाएगा, रिपोर्ट आनी बाकी है, आईएमए जो कहेगा उसके हिसाब से हम चलेंगे, लेकिन बुधवार को स्वास्थ्य मंत्री ने जो कहा कि एफआईआर दर्ज करवा दी जाएगी, 72 घंटे गुजर चुके हैं वो तक दर्ज नहीं हुई। देखिए वो तो ढुल साहब ने बता दिया कि एफआईआर अभी तक दर्ज नहीं हुई, पर एक चीज ये है कि जब भी हरियाणा में कोई मामला होता है तो जब तक कोर्ट इंटरवीन नहीं करती तब तक ये हिलते नहीं और सरकार जो है कोई काम करती नहीं। अब जो बात स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 30 तारीख को कोर्ट ने इंटरवीन किया था इस बात पे और 12 तारीख इनको जवाब देना है वहां पे, तो इन्होंने क्या किया अभी तक, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां तक आईएमए की बात कर रहे हैं, परसों में एक डिबेट पे था तो आईएमए के लोग भी उस डिबेट पे आए थे, उसमें डॉक्टर ने मुझे बताया, उन्होंने ये कहा कि हमारे पास अभी तक रिपोर्ट ही नहीं आई है तो हम किस तरह से ये रिपोर्ट आगे भेजेंगे। तो ये ढुलमुल रवैया जो है ये सारा सामने आ रहा है और ये सारी चीजें क्लैरिटी पे आ रही हैं कि ये ना तो लाइसेंस रद्द करने की इनकी कोई इच्छा है ना उसके खिलाफ हॉस्पिटल के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की इच्छा है। हाँ। क्योंकि सिर्फ ओनली ये कह देना कि ब्लड बैंक का लाइसेंस हमने ब्लड बैंक को रद्द कर दिया तो इसका मतलब हॉस्पिटल वो चलेगा या नहीं चलेगा, अगर उसमें हॉस्पिटल में ब्लड की जरूरत पड़ेगी तो वो कैसे मुहैया होगा। आप एक तरफ से हॉस्पिटल को चला भी रहे हैं, एक तरफ से उसका ब्लड बैंक का जो है वो रद्द कर रहे हैं, या तो पूरा हॉस्पिटल बंद हो या फिर वो पूरा हॉस्पिटल चले, ये किस तरह की बातें हैं जो अनिल विज जी कह रहे हैं, ये सारी दोगली बातें हैं। ढुल साहब क्या चाहती है सरकार, ये मंशा एक बार के लिए साफ कीजिए कि ब्लड बैंक का तो लाइसेंस हम रद्द कर देंगे, अस्पताल चलता रहेगा। मैं केवल जी की बात पे थोड़ा मुझे हंसी आ रही थी, शायद उन्होंने सुना नहीं, सत्येंद्र जैन जी ने जो स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली है उन्होंने भी ये कहा है कि आज की डेट में लाइसेंस हमने रद्द कर दिया गया है, जो पेशेंट अभी यहाँ उपचाराधीन है उनके तो उपचार होंगे, जो नहीं चाहते वो चले जाए, अगला पेशेंट
नहीं लिया जाएगा। हाँ। तो इसका मतलब अस्पताल आज की डेट में लाइसेंस रद्द होने के बाद भी वर्किंग तो है ना, तो आप कैसे कह सकते हैं? मैं हरियाणा सरकार पे आऊंगा, हरियाणा सरकार मैंने ये कहा कि मैं समझाना चाह रहा हूं कि उन्होंने जैसे कह दिया कि लाइसेंस रद्द कर दिया तो खून कहां से आएगा। मैंने ये कहा है कि हमारी सरकार ने सबसे बड़ा फैसला तो ये किया कि उसको हरियाणा सरकार के पैनल पर से फोर्टीज को तत्काल हटाया, दूसरा उसका लाइसेंस रद्द कर दिया, लाइसेंस ब्लड बैंक का रद्द कर दिया, तीसरा आईएमए के लिए संज्ञान में डालने के लिए पत्रक भेज दिया कि भाई इनका आप रिपोर्ट हमने सबमिट करवा दी है और इसकी वो ब्रेक के बाद आपको डेट भी बता दूंगा, पत्रक भी दिखा दूंगा, बता दीजिए कौन सी डेट है। देखिए मैं इस बात में केवल जी से सहमत हूँ, ब्लड बैंक को का लाइसेंस रद्द करने से वहाँ पर आने वाले या फिर जो मरीज है उनको कहीं ना कहीं परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि तो बंद करिए आप, बंद कर दीजिए ब्लड बैंक का, ब्लड जो है वहाँ पर मरीज है, मरीजों को ब्लड या तो सरकार अपनी तरफ से वहाँ पर सुविधा मुहैया कराए, उन लोगों को मरीजों को वहाँ पर ऐसे नहीं छोड़ सकती सरकार जिस प्रकार से छोड़ करके उन्होंने कार्य किए। हाँ। आधा अधूरा कार्य जो है नुकसान करेगा, जनता को ही परेशानी देगा। जनता को परेशानी हुई तब मामला सामने आया, सरकार ने जो फैसला लिया फौरी तौर पर उससे भी जनता को ही परेशानी हो रही है। अनिल आर्य जी आपके पास मैं आऊंगी, अभी नवीन जयहिंद ने कहा कि इस तरह का फैसला लेने के लिए जो है जिगर चाहिए सरकार के पास या राजनीतिक दल के पास जिगर होना चाहिए। क्या लगता है मामलों में राजनीतिक संरक्षण हो जाता है, मामलों में राजनीति हो जाती है इस तरह के बड़े अस्पतालों के नाम पर? ज्योति जी देखिए, जो बड़े बड़े अस्पताल चला रहे हैं वो बहुत बड़े बड़े आदमी हैं और बहुत जल्दी ये जो है नॉट रीचेबल स्टेज पर पहुंच जाते हैं पैसे के मामले में, पावर के मामले में। और इनको आप देखेंगे कि पद्म विभूषण तक इनको मिले हुए हैं, लेकिन एक बात यहाँ संज्ञान में लाने की जरूरत है, जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके पास सुविधाएं हैं और जब आदमी डेथ स्टेज पे होता है, मरने को होता है, तो परिजन कुछ भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसका फायदा जो है उठाती है प्राइवेट जो हॉस्पिटल है। हाँ। सरकारी अस्पतालों में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है, खासकर जीवन रख सकते हो बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप ये बात करें कि आईसीयू की सुविधा हरियाणा में चंद उनमें मिलेगी और उनमें भी लिमिटेड बेड होते हैं और उसमें से भी कुछ बेड जो है वीवीआईपीज के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं। तो एक सरकार को जो है ना रेगुलेटरी कमीशन बनाना चाहिए। मैं डेंगू की बात करूंगा कि ये बिटिया का जो डेथ हुई है वो डेंगू के कारण हुई है और सरकार ने जो है 600 रुपए उसका रेट रखा था कि 600 रुपए से ज्यादा आप नहीं ले सकते। जब हमें पता सरकार को संज्ञान में बात आई थी कि वे 3-4 हजार रुपए वसूले जा रहे हैं, केवल डेंगू का रेट रखने से तय नहीं होगी बात, ये तय होगा कि हर एक चीज के मिनिमम और मैक्सिमम रेट तय किए जाए कि भाई इतने से ज्यादा आप नहीं चार्ज कर सकते, बेड के लिए रेट तय किए जाए। जो मॉडर्न अस्पताल है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, सरकारी अस्पतालों में वो चीजें नहीं अवेलेबल है जो सुविधाएं वहां पर अवेलेबल है। जी कोहली साहब आपके पास मैं आऊंगी, दोनों ही मामलों का कानूनी पहलू क्या है? पहले तो जी जो डिफरेंस है इन दोनों मामलों में मैं वो बताना चाहूंगा। जी दिल्ली वाले मामले में मैक्स हॉस्पिटल को इससे पहले 3 नोटिसेस इशू किए गए थे, इन फर्दरेंस टू उन्हीं नोटिसेस के आधार पर जो नया मामला आया उसके मामले में उन्होंने उसका लाइसेंस कैंसिल किया। ठीक है, लाइसेंस कैंसिल करना एक बहुत वेग टर्म है, डॉक्टर्स जो वहां पे है उनके ऊपर जो एलिगेशंस है उन पे जो एक्शन लेना है वो एमसीआई ने लेना है। हाँ। आईएमए की रिपोर्ट के बेसिस पे लेना है, ठीक है, गवर्नमेंट का उसमें कोई लेना देना नहीं है। दिल्ली गवर्नमेंट का जो काम था, जो सराहनीय काम है, उन्होंने ये किया है टेम्परेरली उस हॉस्पिटल को रोक लगा दी गई है कि हाँ। वो नए पेशेंट्स नहीं लेगा। ठीक है, जो दिल्ली वाला केस था उसके अंदर जो पुराने 3 नोटिसेस हैं वो डील करते हैं इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को प्रॉपर फैसिलिटीज ना देने के, ओवरचार्ज करने के या उनको अच्छे तरह उनकी देखरेख करने के। आपको रोकूंगी मैं एक बार के लिए, आप बात पूरी कीजिएगा, लेकिन अभी जो अनिल विज ने कहा, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, ये तमाम बातें उनकी तरफ से भी कही गई कि लापरवाही है, साथ ही वीकर सेक्शन को जो सुविधाएं दी जानी चाहिए वो नहीं दी गई हैं, हालांकि 3 नोटिस मिलना ना मिलना वो एक अलग बिंदु हो सकता है। नहीं मैं कुछ और बताना चाहता था, मैं सिर्फ दोनों मामलों में डिफरेंस बताना चाहता था। किसी भी हाल में हरियाणा का जो एक्शन है या इनएक्शन जिसे हम कहेंगे, क्योंकि एक्शन वो होता अगर वो कुछ करते, इनएक्शन हुआ जो उन्होंने नहीं किया, वो इनएक्शन को किसी भी तरीके से कोई भी समझदार बुद्धिमान जीव उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, ना मैं करने की कोशिश करूंगा ना मैं करने लायक हूं। मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि हरियाणा गवर्नमेंट को जो करना चाहिए वो दिल्ली गवर्नमेंट कर चुकी है। ठीक, टेम्पररी लाइसेंस सस्पेंड कर सकते हैं, हरियाणा गवर्नमेंट कर सकती है, हर गवर्नमेंट के पास ये पावर है। MCIA को डॉक्टर्स के लाइसेंस, जो उन्होंने एलिगेशंस उनके खिलाफ हैं, जिस डॉक्टर की कमेटी बैठेगी, जो डॉक्टरों ने कमी करी है, जो डॉक्टरों के एलिगेशन है वो डिसाइड करेगी, उनके लाइसेंस सस्पेंड करने के लिए। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं इस समय
इंडियन मेडिकल काउंसिल प्रोफेशनल कंडक्ट एटिकेट्स एंड एथिक्स रेगुलेशन 2002 की, जिसके अंतर्गत कोई भी डॉक्टर जब वो अपने आप को रजिस्टर कराता है, जैसे कि दिल्ली में भी सब डॉक्टर्स ने कराया, हरियाणा में भी कराया, दे हैव टू साइन अ डिक्लेरेशन, उनको एक डिक्लेरेशन साइन करनी पड़ती है। उस डिक्लेरेशन के अंदर सबसे पहली दो तीन चीजें मैं पढ़कर बताना चाहूंगा जो इन दोनों केसेस में डॉक्टर्स उससे कोसों दूर रहे हैं। इंग्लिश में है, आई सॉल्मली प्लेज माइसेल्फ टू कंसेंट्रेट द लाइफ एंड सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, नन ऑफ दीज डॉक्टर्स हैव डन दैट। किसी भी डॉक्टर ने, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल दिल्ली का है या पंजाब का या हरियाणा का है, वो ह्यूमैनिटी की बात नहीं कर रहे। आई विल मेंटेन द अटमोस्ट रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन लाइफ फ्रॉम द टाइम ऑफ कंसेप्शन। कहां ह्यूमन लाइफ की, कहां देख कर रहे हैं रिस्पेक्ट, कहां ह्यूमन लाइफ की। यहां तो एक पॉलिथिन बैग में एक बच्चे को, जो भी जीवित है उसको मरा हुआ घोषित दिया जा रहा है। एक बच्चा जो मर चुका है उसके ऊपर 16 लाख का बिल लगाया जा रहा है। ये किस तरह की ह्यूमैनिटी की बात कर रहे हैं डॉक्टर्स। बिल्कुल, चलिए जवाब आपसे फिर भी लेंगे एक बार फिर से। जैन साहब आपके पास मैं आऊंगी। अभी आपने सुना पूरी चर्चा में कि सरकार साधुवाद ना ले ज्यादा, जो आप सरकार ने जो किया कि उसमें रिपोर्ट जो आती है उसी के आधार पर आप लोगों ने एक्शन लिया, तो इतनी शाबाशी की इसमें पूरी बात नहीं है जितने आप लोग लेने की कोशिश में। देखिए, हमारे को कोई शाबाशी की जरूरत नहीं है और शाबाशी ये बीजेपी की सरकार ले हरियाणा में। इस जितनी कार्रवाई, ये जो साहब कह रहे हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया, अभी भी मरीज वहां पे एड हॉस्पिटल चल रहा है, इन लोगों को इतनी जब जानकारी नहीं है कि किसी हॉस्पिटल का जब कैंसिल भी होता है तो जो मरीज वहां पे इलाज करा रहे हैं उनको बाहर नहीं फेंका जाता। पहली बात तो इनको ध्यान नहीं है तो बैठ जाते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि ये हम इनकी जय बोल देंगे, हमारे को कोई साधुवाद देने की जरूरत नहीं है, हमने कोई अच्छा काम नहीं किया। लेकिन जो यहाँ हरियाणा के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटलों के साथ मिलके जो ये माफिया चला रहे हैं और आम आदमी को लूट रहे हैं, लाखों लोगों को, आप ये तो कुछ के साथ रहे हैं मैडम, आपके सामने लाखों लोगों के साथ, हजारों लोगों के साथ वहां पे क्या क्या धंधे चल रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर। इनको शर्म आनी चाहिए, ट्विटर मंत्री बने बैठे हैं, मतलब ट्वीट करते हैं, कोई भी कार्रवाई ये लोग करते नहीं है और ये इस तरह की बकवास करते हैं कि काम कोई कार्रवाई होने के बावजूद ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं किया। अरे भाई, हमने कुछ नहीं किया, मान लिया आपकी बात, हमने कुछ नहीं किया, लेकिन जितना हमने किया है आपकी औकात नहीं है उसका उतना करने की। चलिए नवीन जैन जी, आप बने रहिए हमारे साथ, चर्चा हम करेंगे, इन सवालों के जवाब लेंगे कि हरियाणा सरकार इतना बड़ा एक्शन ले पाएगी या फिर नहीं, कानून क्या कहता है इस मामलों में, और जो राजनीतिक इच्छा शक्ति है, क्या राजनीतिक संरक्षण हरियाणा में दिए जाने की कोशिशें हैं, क्योंकि विपक्षी आरोप लगाता है, इन सवालों के जवाब लेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।